स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले तो नहीं है। एक न्यूज आई है कि हमारा जो 30% कोर्स है यूपी बोर्ड का, वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैं सारी की सारी जानकारी दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपका पूरा का पूरा हटाया गया और किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि अब इसी वीडियो के अकॉर्डिंग जो ये फॉर्मेट आया है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, जरूरी होंगे। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक होंगे, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले अभी तक कोर्स में थे, तो इंपॉर्टेंट तो है, तो हम लोग उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको तब पढ़ेंगे जब हमारा पहला वाला जो टारगेट होगा, यानी कि जो अब वाला टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत डिटेल्ड वीडियो है, पूरा देखिएगा तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, खासतौर से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो PDFs और जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी हिंदी में है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो भाई चैप्टर नंबर क्या था, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पांच ही चैप्टर थे और पांचों के पांचों चैप्टर एज इट इज से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सॉलिड स्टेट भी वही है, सोल्यूशन भी है, इलेक्ट्रो भी है, केमिकल काइनेटिक्स भी है, सरफेस केमिस्ट्री भी है, यानी कि पांच ही चैप्टर पहले भी थे फिजिकल केमिस्ट्री के और पांचों के पांचों चैप्टर अभी भी हैं, बट इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि हटा दिए गए। तो एक साथ नोट करते चलेंगे भाई, सॉलिड स्टेट में कौन कौन सी चीजें हटा दी गई, आपकी बैंड थ्योरी हटा दी गई, और जब बैंड थ्योरी हटाई तो बैंड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी किसके लिए थी, सेमीकंडक्टर्स के लिए पढ़ी थी, तो सेमीकंडक्टर भी हटा दिए गए। सेमीकंडक्टर में आपका एन टाइप भी हट गया है और पी टाइप भी हट गया है, हालांकि फिजिक्स में हटा है या नहीं हटा है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कि फिजिक्स में आपको ये चीजें क्या करनी हो, पढ़नी पड़े। तो चलिए भाई, दूसरा चैप्टर क्या था, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में से मेन चीज जो हटी है वो आपकी है वॉन्ट हाफ फैक्टर, क्या हट गई भाई, वॉन्ट हाफ फैक्टर। तो ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी थी बच्चों को और ये बहुत छोटा सा टॉपिक दिया भी हुआ था लास्ट में, तो वॉन्ट हाफ फैक्टर से आप लोगों को जो डर था वो दूर हो गया, क्योंकि अब यहाँ से बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, वॉन्ट हाफ फैक्टर हट गया यहाँ से। और एक टॉपिक है कौन सा, वो है शायद आपका कौन सा टॉपिक है, मॉलिकुलर वेट का, वो टॉपिक है शायद मॉलिकुलर वेट का टॉपिक है, वो एक और हटा है, लेकिन वो कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं था और कई सारी किताबों में वो मेंशन भी नहीं था। तो बेसिकली आपको ध्यान कितने पर देना है, बस वॉन्ट हाफ फैक्टर पे ध्यान देना है। तीसरा चैप्टर अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से क्या क्या हटा, तो इसमें से देखिए बहुत अच्छे तरीके से कोर्स को रिड्यूस किया गया है, तारीफ करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक, बड़ा टॉपिक नहीं हटाया गया जिससे आपके नॉलेज पर कोई खास फर्क पड़े। ठीक है, तो रटने वाले जो टॉपिक थे, जो आपके स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक थे, वही हटाए गए हैं। तो यहाँ से क्या हटाया भाई आपका, बेसिकली ड्राई सेल हटाया गया है। ठीक है, ड्राई सेल के साथ में आपका क्या हटाया गया है, लेड स्टोरेज बैटरी हटाई गई है, लेड स्टोरेज बैटरी जो कि हिंदी में लिखी हुई है सीसा संचायक सेल नाम से। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी हुई है, फ्यूल सेल, ठीक है, फ्यूल सेल को हटाया गया है, कोरिजन हटाया गया है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि कोरिजन को हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ रहे होंगे, तो हालांकि पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कैसे होता है, लेकिन बोर्ड के उससे नजरिए से अब आपसे यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, फ्यूल सेल हटा है, कोरिजन हटा है, और कोरिजन के बाद में और कौन सा आपका हटा है भाई, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दुख हुआ होगा सुन के, रीजन है उसका, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में तो एक कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा मैं कंप्लीट भी कराऊंगा। ठीक है, व्यूज कम आएंगे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फेराडे का सेकंड लॉ तो कंप्लीट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में से क्या हटा है, कोलिजन थ्योरी, क्या हटी है भाई, कोलिजन थ्योरी हटी है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हटा है, और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ आपका क्या हटा है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन ये हट गया। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में से क्या क्या हटे हैं भाई, सबसे पहले आपके हटे हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट ऐसा नहीं कैटलिस्ट पूरा हट गया है, कैटलिस्ट का केवल क्या हटी, मैकेनिज्म हटी है। ठीक है, तो कैटलिस्ट हटी है, एंजाइम की जो मैकेनिज्म थी वो हट गई है, और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में जो एक टॉपिक आता था दैट इज इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन हटा, ये तीन टॉपिक जो है वो सरफेस केमिस्ट्री से रिड्यूस किए गए हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से कोर्स को हटाया गया है। आप एक बार क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने से पहले यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 को मेंशन कर लो भाई, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये फुल हट गया पूरा का पूरा, क्या था चैप्टर, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जिसे इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते थे, मेटलर्जी कहते थे ना, तो मेटलर्जी जो थी जिसमें हम लोगों को फर्नेसेस वगैरह पढ़नी होती थी, कौन कौन सी फर्नेस अपनी भाई, रिवर्बरेटरी फर्नेस पढ़नी होती थी, इलेक्ट्रिकल फर्नेस पढ़नी होती थी। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेस जो कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके थे मेटलर्जी में, वो पढ़ने होते थे, तो वो वाला चैप्टर पूरा का पूरा क्या कर दिया गया आपका, हटा दिया गया, रटंती विद्या बेस्ड चैप्टर था,
इसलिए पूरा का पूरा हटा दिया गया, तो आप पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ तारीफ करनी होगी कि किस तरीके से कोर्स को रिड्यूस किया गया है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बात करता हूँ किसकी, फिजिकल के बाद में इनऑर्गेनिक की, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या था हमारे पास में, पी ब्लॉक एलिमेंट से शुरू होता था। तो चैप्टर नंबर 6 के बाद में कहां से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7 से। तो एक काम करता हूं मैं पहले लिख लेता हूं उसके बाद में वीडियो को ऑन करता हूं। हाँ भाई, तो अगर बात करें किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा हटा है भाई, सबसे पहले चैप्टर कौन सा था, पी ब्लॉक एलिमेंट था। तो पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, अभी भी है। इसमें से क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिड्यूस किए गए, तो भाई ध्यान से देख लो कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए। सबसे पहले बात तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, ठीक है, ऑक्सो नाइट्रोजन ऑक्साइड जितने भी थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड हटा दिए गए हैं, ठीक है, ऑक्सो एसिड हटा दिए गए हैं, और कुछ जो बेसिक प्रेपरेशन थी उसमें, जो बेसिक प्रेपरेशन थी वो हटाई गई है। वो कौन कौन सी है भाई, एक साथ देख लो, PCl3 फास्फोरस कौन सा, ट्राइक्लोराइड की, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, उसके साथ में अगर बात करूं PH3 फॉस्फीन गैस, इसकी हटा दी गई। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा है, दैट इज H2SO4 का इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लैब मेथड नहीं हटा है, कौन सा हटा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। पीडीएफ में क्लियरली मेंशन है सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक निर्माण, ठीक है, तो औद्योगिक निर्माण का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हटा H2SO4 का, जो कि कौन कौन सा था हमारा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से हम लोग बनाते थे बेसिकली, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था। तो H2 ये हट गया, जो बचे आपका कौन सा, बचे हुए आपके क्या हुए, जैसे 17th ग्रुप हुआ हैलोजन, वो आपको पूरा पढ़ना है, और जो आपका कौन सा है नोबल गैस वाला है, वो भी आपको पूरा पढ़ना है, वहां पर कोई भी कटौती फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट से इतना हटा, अब बात आती है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट की। तो यहां पे मैं एक बात और कह दूं, देखता हूं कितने लोग वीडियोस को हमारी देखते रहते हैं और कितने लोग ऑब्जर्व भी करते रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है, 5-6 लेक्चर में निपट जाता, और इसमें से भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए, तो इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए, यानी कि अगर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूं तो फिर 15-20 लेक्चर ले जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करूंगा फिर 15-20 लेक्चर ले जाएगा। तो एक बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रो निपटा ले, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें से क्या क्या हट गया भाई, इसमें से हट गया बेसिकली कौन से, एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड को क्या कर लो, हाँ एक्टिनाइड लिख लो, एक्टिनाइड्स के साथ साथ, एक्टिनाइड्स तो पूरा का पूरा एक पार्ट ही है इस चैप्टर का, एक्टिनाइड्स में से क्या क्या हटा है, तो इसकी हटी है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी हटी है, रिएक्टिविटी के साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हटी है, और क्या हटा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में हटा है कंपेरिजन विथ लेंथेनाइट, कंपेरिजन विथ लेंथेनाइट्स। और जो डी ब्लॉक में हटा है वो हटा है आपका KMnO4 एंड K2Cl2O7, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम का परमैग्नेट। KMnO4 और K2Cl2O7 की जो स्ट्रक्चर वगैरह है, जो प्रेपरेशन है, वो सारी है इनकी रिएक्शन हटी है, क्लियरली मेंशन है उसमें कि जो इनकी रिएक्शन है इनका, यानी कि यूज है, और बेसिकली ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं ना, तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनकी रिएक्शन सटी है। बाकी इनके जो आयंस MnO4 का जो स्ट्रक्चर आता था, Cl2O7 का जो स्ट्रक्चर आता था, वो इन दोनों के प्रिपरेशन मेथड, वो सारी चीजें पढ़नी है हमें, क्या पढ़ना होगा, इनकी रिएक्शन, यानी इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो थी, क्या थी, जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें नहीं करने पड़ेंगे। बात कर लें किसकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कुछ खास नहीं हटाया गया, केवल क्या हटाई गई, स्टीरियो आइसोमेरिस, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिस हटाई गई है। और हाँ, यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज था वो हटाया गया है, यानी कि ये वैसे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, वही मैग्नीशियम और क्लोरोफिल वगैरह पढ़ने होते थे यहाँ पे छोटे छोटे। स्टीरियो आइसोमेरिस में एक बड़ा टॉपिक था जो कि आपका रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी आपका VBT, CFT, लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, पूरा का पूरा चैप्टर एसिटेस है, तो कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार की तारीफ करनी चाहिए कि किस तरीके से रिड्यूस किया गया। भाई ये हो गई इनऑर्गेनिक की कहानी, इसको नोट कर लो और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग किस पर, ऑर्गेनिक पर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, फटाफट लिख देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, आई होप इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 पे अगर हम लोग आए तो क्या हटा है हमारा भाई, देखते हैं ध्यान से। चैप्टर नंबर 10 है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर।
तो चैप्टर को मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा। चैप्टर नंबर 10, ठीक है। आर एक्स एंड पी एच एक्स, ये लो, हेलो एल्केन हुआ और ये हेलो एरीन हुआ। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में से क्या हटाए गए हैं आपके, आपका हटाया गया है CH2Cl2, ठीक है। CH2Cl2 का मतलब क्या हुआ, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। डाइक्लोरोमेथेन हटा है आपका CHCl3, ठीक है। ट्राइक्लोरोमेथेन हटा है CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन हटा है। साथ ही आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक हटा है, दैट इज आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। आइडो से कौन सा सी से, हाँ CHCl3। क्लोरोफॉर्म तो खैर नहीं हटा होगा, हाँ लिख दिया गया होगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म पढ़ लेंगे, ठीक है। CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म ही तो होता है, तो ट्राइक्लोरोमेथेन मेंशन तो है, शायद क्लोरोफॉर्म भी हट गया तभी आइडोफॉर्म हटा है, ठीक है। एक बार इसको पीडीएफ में डाल दूंगा, उसमें पीडीएफ लिंक में, वहां पर देख लेना आपको अगर मिलता है नाम कौन सा, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ट्राइक्लोरोमेथेन की अगर बात करें तो CHCl3 हो, क्लोरोफॉर्म ही हो गया, तो आइडोफॉर्म भी हट गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो क्लियरली मेंशन है कि हटा ही हटा है। इसके साथ में आपके फ्रियॉन हट गए, फ्रियॉन का मतलब आपकी कौन सी हट गई, CFC हट गई, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हट गया आपका, जो आपको यहाँ पे पढ़ना होता था। इसके साथ साथ और कौन सा टॉपिक हटा है, बस इतने से टॉपिक हटे हैं। हाँ, इसमें एक और टॉपिक हटा है, दैट इज DDT। DDT में एक बात याद कर लो कि इसका स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हटा, इसकी प्रिपरेशन नहीं हटी, ठीक है। केवल क्या हटा है, इसकी रिएक्शन और इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये हम लोगों को जो पढ़ना होता था ये हट गया है, ठीक है। तो इतनी चीजें हटी है कहां से, चैप्टर नंबर 10, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से, ठीक है। अगर अगली बात करें चैप्टर नंबर किसकी, इसको थोड़ा सा नीचे साफ कर लेता हूं, ये तो स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन मैंने लिखा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो क्या है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो यहां से क्या क्या हटा है आपका, बहुत छोटा सा, यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं दिया गया है। और यहाँ पे क्या हटा है आपका, यहाँ पे हटा है आपका कौन सा, CH3OH यानी कि मेथनॉल, C2H5OH यानी कि एथेनॉल, केवल इनके यूज, दैट्स इट, ठीक है। मेथेनॉल और एथेनॉल के यूज हटाए गए हैं, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है, ठीक है। ध्यान से सुन लो बातों को, चैप्टर नंबर 11 था, अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 क्या था आपका, अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद में, एल्कोहल फिनॉल इथर के बाद में आपका था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिटी से चैप्टर पूरा का पूरा एसिटी से, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं रिड्यूस हुआ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 12 जो था अभी तक, अब तो चैप्टर की मार्किंग बदलेगी, लेकिन अभी तक जो चैप्टर नंबर 12 था वो एसिटिस है, ठीक है। उसके बाद में आ जाए किस पर, चैप्टर नंबर 13 पर, तो क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसे इन सॉल्ट एमीन कह सकते थे, एमीन्स कह सकते थे। तो एमीन्स में से क्या हटा है आपका, एमीन्स में से हटा है आपका साइनो कंपाउंड, ठीक है, साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड के कंपाउंड हट गए हैं, बहुत ध्यान से सुन लो बात को। और डाइएजोनियम सॉल्ट हटे, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि कहां से हटा दिए गए हैं आपके, चैप्टर नंबर 13 एमीन से हटाए गए हैं। अब अगर इसके बाद बात करूं किसकी, तो ऊपर का थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं क्या हुआ है। चैप्टर नंबर 13 तक की बात हो गई, चैप्टर नंबर 14 दैट इज बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर आपका कौन सा 14, बहुत ध्यान से सुन लो सारी बातें, चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में से क्या हटा, छोटा चैप्टर था ये भी, लगभग 50% उड़ गया है ये भी, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या हट गया है आपके, इसमें से हटा है आपका ओलिगोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड हट गए, आपका क्या हट गया, पॉलीसैक्राइड हट गया, ठीक है, ओलिगोसैक्राइड गए, पॉलीसैक्राइड गए, और कौन कौन सी चीजें आपकी यहां से चली गई हैं, और आपका गया है क्या, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम। तो कहोगे बचे ही क्या सर, तभी तो कह रहा था कि 50% टॉपिक जो हैं वो आपके क्या कर दिए गए हैं, 50% टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। मेनली बचा क्या, बचा क्या आपके पास में, आपके पास बचा ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना बचा, उसी को आगे पढ़ लेना है, सारे स्ट्रक्चर्स के पढ़ लेने हैं, और लास्ट में क्या बचा, RNA DNA बचा, बस न्यूक्लिक एसिड बचे, ठीक है, पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड भी बचे, न्यूक्लिक एसिड में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब इतने टॉपिक जो है बेसिकली आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बायोमोलिक्यूल के बाद में अगर आऊं मैं चैप्टर नंबर 15 पे, तो चैप्टर नंबर 15 था पॉलीमर, खुश हो जाओगे यहां पे,
पॉलीमर पूरा का पूरा खत्म, ठीक, रिमूव्ड लिख दो पूरा, रिमूव्ड, ठीक। और ऐसे ही रिमूव्ड में आपका चैप्टर नंबर 16 है और वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये दो चैप्टर लास्ट के पूरे हटा दिए गए हैं, मार्क कर लो, ठीक है। तो इतना केस रहा है, इतने केस का मतलब अगर मैं ओवरऑल अब ऊपरी बात बता दूं तो आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं और 3 चैप्टर आपके पूरे पूरे हट गए, मेटलर्जी पूरा हट गया, पॉलीमर पूरा हट गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा हट गया, ठीक है। और बाकी मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं, इन टॉपिक्स को ऐसा नहीं करेंगे कि छोड़ देंगे यार, चैप्टर है 13 चैप्टर पढ़ने बचे हैं, ठीक है, तीसरा पढ़ रहे हैं और 10 बचे पढ़ने के लिए हम लोगों के पास में, उसमें से भी कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर है तो हम लोग पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन लास्ट में पढ़ा करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पढ़ा करेंगे, केवल अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, दैट्स इट, क्लियर। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, किसके साथ में, हटे हुए टॉपिक के साथ में, दैट इज फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।